तो भाई काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के बारे में, तो मैं आप हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो भाई अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, लोग कहते हैं कि ये बर्लिन जैसा व्यू आता है यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार। पता नहीं मैं बर्लिन तो गया नहीं हूँ, बट लोग जो गए वो बताते हैं कि यहाँ पर बर्लिन भी एक ऐसी जगह है, बर्लिन है जर्मनी में, एक सिटी है बर्लिन, तो वहाँ पर ऐसी व्यू आता कहते हैं। तो ये वाला प्लेस काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी शांति रहती है, आराम से लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। और देखो यहाँ पर हेली बोट पूरा राउंड करती है, बोट पूरा यहाँ से लेकर पूरा राउंड जाता है। और ये देखो डक, तो इसी बोट में लोग अपनी शादी वादी की पार्टी ये वो सब इसमें होता है, जैसे कोई अपना रिसेप्शन देना चाहता है तो बोट सब होता है, रेस्टोरेंट है पूरा प्लॉट में। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, पीसफुल जगह है, बैठो यहाँ पर मन शांत रहता है। वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही क्योंकि अभी थोड़ा बिजी हूँ यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स का काम चल रहा है, क्योंकि पेपर्स के मामले में स्लोवेनिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपको अगर जॉब वॉब भी यहाँ पर फाइंड करनी है तो उससे पहले आप क्या करो, उससे पहले आप यहाँ पर कागज़ वागज ये जो पेपर्स है यहाँ के सारे फिट करने पड़ते हैं जहाँ यहाँ पर है। जैसे आप सबसे पहले स्लोवेनिया आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रूम सर्च करना पड़ेगा, और रूम सर्च करोगे तभी जब आपको रूम का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब आप एक एड्रेस मिल जाएगा आपको। तो उससे क्या होता है, उस एड्रेस को लेकर आप जाओगे, उसको पोस्ट करोगे प्रोविडेंट गवर्नमेंट को, देन क्या होगा आपको टैक्स नंबर इशू होगा, और टैक्स नंबर जब इशू होगा तब जाके आपका यहाँ बैंक अकाउंट खुलेगा, और बैंक अकाउंट खुल के ही आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो गाइस काफ़ी लंबी प्रोसेस है, एक मंथ लग जाता है इसमें। फ़िलहाल मेरे तो अभी आने वाले हैं डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट करे, जो स्लोवेनिया आना चाहता है सबसे पहले क्या करें ना, एक वेबसाइट है BOLHA भोला करके, तो उसमें जाए और एक नैपर मैच करके है वेबसाइट, अगर आप स्लोवेनियन हाउस रेंटिंग करके वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ आने से पहले उसमें जाके रूम फाइंड कर ले अपने के लिए पहले से बुक कर ले, क्योंकि वही सबसे बड़ा इशू बनता है यहाँ पर। और अगर आपको रूम मिल जाता है यहाँ पर तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट पेपर वही मेन है, उसी से आपका बैंक अकाउंट खुलेगा लास्ट में जाके। और बिना बैंक अकाउंट के यहाँ पर कुछ नहीं है, कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते बिना बैंक अकाउंट के। तो ये है यहाँ पर यूरोप में लफड़ा, अगर आप इंडिया में होते तो आप वहाँ पर जॉब सीधे कैश में मिलती है। तो यार बैंक अकाउंट भी इसलिए ज़रूरी है करके, अगर आपको यहाँ पर जॉब करके पैसा मिलता, अगर आपको इंडिया भेजना है वो या कुछ अदर कंट्री में भेजना है, तो उसके लिए आपको बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, वरना आप किसी के ऐसे थ्रू भेजेंगे तो आपका टैक्स काफ़ी लग जाएगा। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि यार अपना बैंक अकाउंट खुला लें यहाँ पर, और बैंक से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जिसको हमको ATM बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है, पूरे यूरोप में चलता है, उसका कोई टैक्स वैक्स नहीं, आप उसको लेकर इंडिया भी जाओ कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप शॉपिंग करो कुछ भी करो। तो फर्स्ट तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्लोवेनिया या यूरोप आने जाने आने वाला कोई भी कैंडिडेट है तो आके सबसे पहले रूम सर्च करे, और जितना हो सके उसे पहले ही सर्च कर ले, वरना सबसे बड़ा इशू यही बनता है पर। और क्या बोलते हैं, वीडियो यार अभी थोड़ा ऐसी और आजकल नहीं आ पा रही है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यहाँ पर, तो क्योंकि थोड़े कागज़ वागज का सीन काफ़ी है यहाँ पर, पेपर्स का यहाँ की गवर्नमेंट में आपको up all night by myself, trying to think of ways to you, your voice stuck in my... So guys, अभी वहाँ से घूम के आ गया था, और meet my friend Ibrahim. How are you brother? I'm cool bro. तो भाई Volt में जॉब करता है, तो ये है Volt यहाँ के डिलीवरी, जैसे हमारे को Zomato, और ये है फिलहाल उसकी बाइक Ibrahim की चार्जिंग वाली है। So guys, अभी बैठा हूँ यहाँ पर चर्च के आगे, तो अभी इनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम पास करता हूँ, और
इब्राहिम। तो गाइस अभी थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पर, उसके बाद थोड़ी देर में जाऊँगा रूम। और कैसा लगा आपको इब्राहिम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी जैसे इवनिंग होती रहेगी यहाँ थोड़ा क्राउड होता रहेगा, तो मेन जो सेंटर है जो भी आता सब यहीं आता है सेंटर में, क्योंकि यहीं पर ही सारी चीज़ रेस्टोरेंट यहीं पर ही, और ये चर्च जो आपको दिख रहा है ये यहीं पर ही, तो मतलब सारी चीज़ें सेंटर में है, तो इसको सेंटर भी बोलते हैं। हर पूरे लोबिया का सेंटर यही है। तो गाइस कैसे हैं आप सब, और ये डे टू है व्लॉग का। अब मैं व्लॉग जो कर रहा हूँ ना, दो दिन में एक व्लॉग कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी सेंटर में आके बैठा हूँ यहाँ पर, और आप लोग सोच रहे होंगे बैक से कैसी आवाज़ आ रही है ढोल की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन बजा रहा है। वो देखो सामने, तो एक कैरेबियन है वो बजा रहा है। और गाइस यहाँ पर एक चीज़ दिखा भी, देखो ये मेडिटेशन कर रहा है काफ़ी टाइम से, एक घंटा हो गया और मेडिटेशन कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा करके मेडिटेशन कर रहा है, उतने में उसने आँख खोल दी तो मैंने फ़ोन हटा लिया एकदम से। तो गाइस आज सैटरडे है, और तो गाइस व्लॉग में मैंने आपको बताया था जो सोवेनिया आना चाहते हैं तो सबसे पहले यार रूम सर्च कर ले, क्योंकि रूम काफ़ी दिक्कत देता है यहाँ पर। अगर आपने रूम अपने यहाँ के फर्स्ट वीक में ढूंढ लिया या इंडिया से पहले ही बुक करा लिया है तो दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा है वो। और गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ गाइस पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर मिल जाती है, बट आपके जब पेपर कंप्लीट होंगे जाएंगे, जैसे आपको रूम मिल गया, देन उसके बाद टैक्स नंबर आता है, फिर आपका बैंक अकाउंट खुलता है। बैंक अकाउंट अगर आपका खुल गया तो आप अपनी फाइल लेके स्टूडेंट इसकी करके इनकी सर्विस है यहाँ पर, वहाँ जाओ आपको वो लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं। जॉब भी वो आपको विद इन अ वीक आपको प्रोवाइड करा देते हैं, और काफ़ी सही जॉब रहती है, 5 आवर्स की दो दो जॉब आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।